बैठो बैठो, तुम्हें तो अब आराम की ज्यादा जरूरत है। भाई साहब ने जैसे ही ये खुशखबरी फिजा के अब्बा को बताई, मैं मुझसे तो रहा नहीं गया, दौड़ी चली आई। क्या ये खबर आपको नज़ीर ने पहुंचाई है? जी, क्या नहीं पहुंचानी चाहिए थी? अभी तक इस बच्चे की किस्मत का फैसला नहीं हुआ और नज़ीर साहब ने पूरी दुनिया में ढंढोरा पीटना शुरू कर दिया। क्या क्या मतलब, कैसा फैसला? कैसे हो बेटा? कौसर बहन, आप कुछ कह रही थी, मैं समझी नहीं आपकी बात। देखे मेरी साफ बात है, आपकी बेटी के घर से भागने के बाद आपकी दोनों बेटियों के किरदार पर सवाल तो उठेगा। कैसे सवाल? इतनी जल्दी जब घर में खुशखबरी आएगी तो मर्द के दिल में शक तो पैदा होगा ही। और उस वक्त जब दोनों के बीच में ताल्लुकात भी अच्छे नहीं हैं, देखें बहन, ये तो अल्लाह की देना ना, इसमें इंसान की मर्जी तो नहीं चलती। ये तो आप कह रही हैं ना, लेकिन मर्द के दिल में एक दफा शक आ जाए तो फिर उसको कौन निकाल सकता है? इसलिए सरफराज इस बच्चे के हक में नहीं है। चाचू आप बहुत जल्दी जा रहे हैं, इतनी जल्दी नहीं जाने दूंगी मैं आपको। बेटा वापस आऊंगा ना मैं। माज़दा बिल्कुल ठीक कह रही है चाचू, मैं आपको कहीं नहीं जाने देंगे। बच्चों जाने दो चाचू को, इनका कोई इंतजार कर रही है वहाँ। कौन इंतजार कर रही है चाचू? वही जो इन्हें मुझसे और आपसे सबसे ज्यादा अजीज है। बच्चों के सामने ऐसी बातें आपको जेब नहीं देती। और आपने जो किया है उसे हमारे और आपके बीच में लाकर? हमारे बीच कुछ था ही नहीं, जो उसके बीच में आने से आपको इतनी तकलीफ हो रही है। फोन करके देख तो लिया आपने, क्या हासिल हुआ आपको? हासिल ना हासिल का खेल तो आप और वो खेल रहे हैं जिसे आप खुशी खुशी ब्याह कर घर लाए हैं। हमारा क्या है, हम तो मजार पे किसी अगरबत्ती की तरह जिसे जरूरत के हिसाब से जला लिया गया और आखिर तो उड़कर खाक ही हो जाना है। हम भी आपके साथ जाएंगे चाचू। हाँ, हम भी। नहीं बच्चों, सिद्ध नहीं करते। मगर क्यों? नौशेरवां आप परेशान ना हो। बच्चे हैं, बिल्कुल बिल्कुल अपनी माँ ही के जैसे हैं। थोड़ी देर जिद करेंगे फिर रो धो के चुप हो जाएंगे। आप जाइए आराम से, मैं समझा लूंगी इन्हें। इंतजार करूंगी आपका नौशरवां, कि अगर आपको अपनी गलती का एहसास हो जाए और आप लौट कर वापस आ जाएं। अपना ख्याल रखना मुझे। आप भी। जाओ कमरे में जाओ दोनों, जाओ। सरफराज फिजा के किरदार पे कैसे उंगली उठा सकता है? ये आप लोगों को समझाना चाहिए उसे। आप क्या समझती हैं कि मैंने सरफराज को नहीं समझाया होगा? इस घर में पहली बार आपकी बेटी की वजह से दोनों बाप बेटे में बहुत बहस हुई है। नजीर ने तो सरफराज को घर से निकाल दिया और सरफराज भी, मेरा बच्चा गुस्से में आके घर छोड़ के चला गया। वो तो मैंने सरफराज को फोन करके मिन्नतें की कि बेटा घर वापस आ जा, तो वो घर आया है। आप तो खुद अपनी बेटियों को संभाल नहीं पाए, तो अब क्या चाहती हैं आप, मेरा बेटा भी हाथ से निकल जाए? ऐसा हम बिल्कुल नहीं चाहते, लेकिन आपकी बातों ने मुझे परेशान कर दी है। अरे परेशान तो हम लोग हो गए हैं, हम लोग फंस गए हैं आप लोगों के साथ रिश्ता करके। ये तो सरफराज को नजीर का डर है, वरना कब का वो आपकी बेटी को छोड़ देता। यार दुआ, तुम्हारी ये लापरवाही ना एक दिन तुम्हारे लिए बहुत बड़ी मुश्किल बन सकती है। क्या मतलब? मतलब ये कि जुनैरा किसी से कॉल पर तुम्हें यहाँ वापस लाने की बात कर रही थी। एंड यू नो व्हाट, इस काम के लिए उसने एक बहुत बड़ी रकम भी ली है। दुआ मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही है। मुझे लगता है तुम्हें नौशरवा को इस बारे में सब कुछ बता देना चाहिए। न जाने ये जुनैरा इस बार कौन सा गेम खेलना चाह रही है। बीबी साहिबा, साहब आ गए? नहीं साहब जी तभी नहीं आए। उनकी कोई कॉल आई है? नहीं, कोई फोन भी नहीं आया। ठीक है, आ जाए तो मुझे बताइएगा। जी बेहतर। मैं चाय बनाऊं आपके लिए? नहीं थैंक यू, मैं खुद बना लूंगी।